भारत के इतिहास में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का स्थान बहुत ही अहम रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक समय पर भारत का ही हिस्सा थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब ये एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण स्थान अफगानिस्तान को उसे सौंप दिया। तथ्यों की माने तो 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में ही हुआ। उसका शासनकाल 1747 से 1773 तक था। इसके पहले अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र वीजू, पुख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। यहां हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको पार कर कजाकिस्तान, रूस और चीन की ओर जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पहले यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसका वर्णन भारतीय महाकाव्य महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम भी आर्याना था और उनकी हवाई कंपनी भी आर्याना नाम से ही जानी जाती थी। पारसी मत के प्रवर्तक जरथुस्ट द्वारा रचित ग्रंथ जिंदा वेस्ता में इस भूखंड को एरिन वीजो या आर्यानुम्र वीजो कहा गया है। आज भी अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम आपको कनिष्क, आर्यन, वेद आदि मिलेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्क प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए हुए है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक कहा जाता है। ये बल्क के तराई इलाकों की समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग ने खानाबदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन सभी को पनाह दी। अफगानिस्तान में प्राचीन काल की कई उन्नत सभ्यताओं का वास रहा है, जिन्होंने अपने पीछे यहाँ पर ऐसे रहस्यों को छोड़ा है जिन्हें पुरातत्वविदों ने हाल ही में खोजना शुरू किया। पिछले वर्ष ही अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। इस विमान के महाभारत कालीन होने का अनुमान है। यह खुलासा wired.com की एक रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में रखा गया भारत का एक विमान पाया गया है। अब सवाल यह है कि यह इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। दरअसल यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ था, इसी कारण सुरक्षित बना रहा। टाइम वेल ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित रखता है। खोजकर्ताओं का कहना है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। करीब 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्टर यहीं रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्हों को एक एक कर मिटा दिया गया। 17वीं शताब्दी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, यानी कि आज से मात्र 300 साल पहले तक अफगानिस्तान नाम से कोई राष्ट्र नहीं था। 6ठी शताब्दी तक ये एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजाओं का राज था। अफगानिस्तान में अंतिम हिंदू शाही राजवंश। यहाँ पर सन 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की। तत्कालीन सिक्कों से पता चलता है कि कल्लार के पहले भी रुतविल या रणथल, स्पालपति और लगतु रमान नामक हिंदू या बौद्ध राजाओं का गांधार प्रदेश पर राज था। ये स्वयं को कनिष्क का वंशज भी मानते थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंत देव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उल्लेखनीय हैं।
इन राजाओं ने लगभग 350 वर्षों तक बाहरी लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में घुसने नहीं दिया। लेकिन साल 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास ही बदल गया। चीनी यात्री युवान च्वांग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 महीने ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। ईरान के पर्शियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पख्तून लोगों और अफगान नदियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ की जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमल, हरिरुद आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग वक्षु, कुंभा, कुरम, रसा, गोमती, हरियू या सरयू नाम से जानते थे। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, बाखान, बगराम, पामीर, बदख्शां, पेशावर, स्वात, चारसद्या आदि हैं, उन्हें संस्कृत और प्राकृत पाली साहित्य में क्रमशः कुभा या कुका, गंधार, बालहीक, वोकाण, कपिशा, मेरू, कम्बोज, पुरुषपुर जिसे पेशावर कहा जाता है, सुवास्तु, पुष्कलावती आदि नामों से जाना जाता है। महाभारत में गांधारी के देश के अनेक संदर्भ मिलते हैं। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि साल 383 से लेकर 810 तक अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद अफगान बौद्ध भिक्षुओं ने ही किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रारंभ भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। आजकल हम जिस बगराम हवाई अड्डे का नाम सुनते हैं, वो कभी कुषाणों की राजधानी था। उसका नाम था कपीसी। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। अफगान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं को भी उन्होंने मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से नष्ट कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ के हिंदू शाही राजाओं के बारे में अरबी और फारसी इतिहासकारों ने तारीफ के पुल बांधे हुए हैं। अल बेरूनी और अल उत्बी ने लिखा है कि हिंदू शाही राजाओं के राज में मुसलमान, यहूदी और बौद्ध लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीमनगर से लूटे गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊँटों की कमी पड़ गई थी। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा इस्लाम का नशा भी सवार था। इसीलिए वो जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट कर देता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में कम्बोज देश का उल्लेख मिलता है। कम्बोज देश का विस्तार कश्मीर से हिंदुकुश तक था। महाभारत में कम्बोज और गांधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कम्बोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य हैं। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वो गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उसका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधार प्रदेश महाभारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। इस महाजनपद के मुख्य नगर थे पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला जो कि इसकी राजधानी था। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कुषाण राजाओं के दौरान यह बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, पर बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। ऋग्वेद में गंधार के निवासियों को गंधारी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में कम्बोज, वाल्हीक और वनायु देशों के श्रेष्ठ घोड़ों का अयोध्या में होना वर्णित है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपनी उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में दर्दरों या दर्दिस्तान के निवासियों के साथ ही कम्बोजों को भी परास्त किया था। महाभारत और राजतरंगिणी में कम्बोज की स्थिति उत्तरापथ में बताई गई है। महाभारत में कहा गया है कि कर्ण ने राजपुर पहुंचकर कम्बोजों को जीता, जिससे राजपुर कम्बोज का एक नगर सिद्ध होता है। बौद्ध काल में अफगानिस्तान 7वीं सदी तक गंधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया
और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने अफगानिस्तान को अपने एकाधिकार में ले लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदुओं और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण शुरू किया गया। सैकड़ों सालों तक यहाँ पर कई लड़ाइयाँ चली। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कंबोज के वार्ता शस्त्रोपजीवी यानी खेती और शस्त्रों से जीविका चलाने वाले संघ का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि मौर्य काल से पूर्व यहाँ गणराज्य स्थापित था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के साम्राज्य में यह गणराज्य विलीन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।